नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत सहित पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उससे लड़ने के लिए सभी देशों की सरकारें अपने पूरा जोर लगा रही हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार ने इसी बीच एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसमें भारत की एक यूनिवर्सिटी जेसी बोस यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थियों ने, एमबीए की ये दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक ऐप बनाया है और इसको भारत सरकार के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों, ये ऐप जो है वो आपको बताएगा कोरोना वायरस से 100 मीटर की दूरी पर आते ही अलर्ट कर देगा। मतलब जैसे ही कोई भी कोरोना से संपर्क संक्रमित व्यक्ति अगर आपके 100 मीटर के दायरे में आता है तो ये ऐप आपके लिए पहले से ही अलर्ट कर देगा। तो दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है और इस ऐप की और क्या क्या खूबियाँ हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे की वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं आपके लिए लेके चलता हूँ अमर उजाला में छपी हुई एक आर्टिकल पे, जिसके सहायता से मैं आपको सही से बता पाऊंगा कि इस ऐप का काम क्या होगा, आप इस ऐप को डाउनलोड कैसे और कब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर ना भी पसंद आए तो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा ऐप है जो इस महामारी से हमारे देश के लिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए बचा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल है वो अमर उजाला में छपा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 मार्च 6:49 AM को फ्राइडे यानी कि आज अमर उजाला में ये छपा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, मैं इसको और भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, 100 मीटर के दायरे में आया कोरोना संक्रमित तो ऐप करेगा अलर्ट। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति अगर आपके 100 मीटर के दायरे में आता है तो ये जो ऐप होगा आपके मोबाइल में वो आपके लिए पहले से ही अलर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा कि आप सभी उस व्यक्ति से दूरी बना पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कोरोना महामारी के बचाव के लिए जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA के विद्यार्थियों ने इनोवेटिव समाधान खोज निकाला है। विद्यालय की स्टार्टअप टीम में MBA के दो विद्यार्थियों ललित फौजदार और नितिन शर्मा ने जियो फेसिंग तकनीकी का उपयोग करते हुए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। तो ये मोबाइल ऐप जो है दोस्तों, वो जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA के विद्यार्थियों ने बनाया है। तो इन विद्यार्थियों का नाम है दोस्तों ललित फौजदार और नितिन शर्मा। ये जो दो विद्यार्थी हैं ये MBA के छात्र हैं जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA के। तो इन्होंने दोस्तों ये ऐप बना के तैयार कर दिया है। तो इस ऐप में होगा क्या कि कोई संक्रमित व्यक्ति 5 से 100 मीटर के दायरे में आता है, कोई भी संक्रमित व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है अगर वो आपके 5 से 100 मीटर के दायरे में आता है तो ऐप के माध्यम से उसका अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई 5 से 100 मीटर के दायरे में आपसे कोई भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अगर आएगा तो आपके लिए यह ऐप के माध्यम से अलर्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही यह चेतावनी भी देगा ये ऐप। इसके साथ साथ एक और भी इसमें फीचर है कि यह ऐप क्या है कि एक चेतावनी भी देगा कि उन स्थानों की चेतावनी देगा जहां पर संभावित संक्रमित व्यक्ति पिछले 24 घंटे में आया हो। तो जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपको यह ऐप पहले से बता देगा कि इस जगह पर पिछले 24 घंटे में कोई ना कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति आ चुका है। तो आपके लिए क्या होगा कि उन जगह पर जाने से आप परहेज कर सकते हैं, उन जगह पर नहीं जाएंगे। जब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि किस जगह पर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति आ चुका है तो आप वहां पर नहीं जाएंगे और आपको आप अपने को और अपने परिवार को इस महामारी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय के फैकल्टी अजय शर्मा ने बताया कि इस ऐप को कवच का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो ऐप है इसका नाम दिया गया है कवच। तो आपको अगर डाउनलोड करना होगा तो आपके लिए ये कवच नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 16 मार्च को COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस COVID-19 समाधान चुनौती लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 16 मार्च के लिए एक जो है चुनौती लॉन्च की गई थी कि भारत का कोई भी व्यक्ति
अगर इस बीमारी से लड़ने के लिए, बचाव के लिए कोई भी चीज़ ऐसी बनाता है, दवा, ऐप, कोई भी चीज़, तो उसके लिए वो बना सकता है और उसके लिए बाद में उसका इनाम भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस चुनौती के जरिए 31 मार्च तक कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए इनोवेटिव समाधान आमंत्रित किए थे। तो इसमें बताया गया था कि जो कोरोना वायरस से अगर आपके लिए कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी चीज़ जो इससे बचाव कर सके, उसको आपको 31 मार्च से पहले भारत सरकार को बनाकर भेजना है। विश्वविद्यालय की टीम ने चुनौती को स्वीकार करते हुए 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। अजय शर्मा ने बताया कि फिलहाल ऐप को तैयार कर इसका प्रोटोटाइप भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया गया है। ऐप को प्ले स्टोर पर उपलब्ध करवाने के लिए गूगल इंडिया को भी भेजा गया है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद यह ऐप व्यवहार में आता है और यह देश के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना संक्रमण को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति मिल जाएगी, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए ये ऐप की जो है डिटेल्स भेज दी गई है। तो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये ऐप के लिए गूगल प्ले पर अपलोड करने के लिए जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी, इस ऐप को गूगल प्ले पर जाके आप कवच नाम से टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना और अपने परिवार के लिए इस महामारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए मैंने आपको बनाकर ये भेजी है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है यहाँ से तो बहुत कम लोगों तक ही पहुँचेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस ऐप की जानकारी अपने परिवार, अपने दोस्तों को और आपके जो भी कलीग्स हैं उनके लिए भेज सकते हैं। तो जिससे उनके लिए भी इस ऐप के बारे में पता चलेगा, ये ऐप वो डाउनलोड करेंगे और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वो अपने और अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए इस महामारी से बचा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही काम का है। अगर आप, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस समय लगी हुई है किसी ना किसी की मदद करने में, किसी ना किसी तरीके से, तो आपके पास में दुनिया की मदद करने का ये एक मौका है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और जल्दी पहुँचेगी। ये वीडियो पहुँचेगी तो हर आदमी तक, लेकिन देर में पहुँचेगी। अगर आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो क्या है कि बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करना है। कम से कम एक एक आदमी इस वीडियो को 100-100 जगह शेयर करेगा, जिससे क्या होगा, ये पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इस ऐप का क्या है प्रचार होगा, जिससे क्या होगा कि इस ऐप के लिए सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे और उनके लिए ये पता चलता रहेगा कि इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना, और अगर आप देश दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिनिश करते हैं आज की वीडियो और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।